सलाद दोनों महलों में चार कुमारों ने जन्म लिया है। Thank you.
महलों में आपके प्रताप से क्या राजकुमारों ने जन्म लिया है। मैं चाहता हूं आप उनका नामकरण संस्कार कीजिए। बहुत अच्छा महाराज। महाराज राजकुमारों को यहाँ बुलवा लीजिए। ठीक है गुरुदेव। मंत्रीवर आप महलों में जाना। चारों युवराजों को साथ लेके यहाँ पे आना। ठीक है महाराज। हे राजन, यह जो आनंद के कंद और सुख की राशि है, जिसके एक कण से तीनों लोग प्रसन्न होते हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। बोलो युवराज चंद्र की जय। ये जिनके मुख से ही प्राग्रम झलकता है, जो ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। बहुत अच्छा गुरुदेव। बोलो रे महाराज लक्ष्मण की जय। बोले युवराज भरत लाल की जय। हे महाराज, आपका तीसरा पुत्र सभी शुभ लक्षणों से परिपूर्ण है, जो सदैव अपने लक्ष्य पर निगाह रखेंगे और अपने बड़े भाई राम के अत्यधिक प्रिय होंगे। इनको समस्त संसार लक्ष्मण के नाम से जानेगा। बहुत अच्छा गुरुदेव। बोलो युवराज लक्ष्मण की। हे राजन, जिनके केवल नाम लेने मात्र से शत्रु का आप जाएंगे, जिनके बाण से शत्रुओं का सदैव हनन होगा, आपके सबसे छोटे पुत्र संसार में शत्रुघ्न के नाम से जाने जाएंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव। बोलो युवराज शत्रुघ्न की। Thank you.
आहे गुरुदेव पर जोड़ के पीछा ही चला। आप इनको अपने आश्रम में ले जाइए। सभी प्रकार की विद्या में निपुण कीजिए। बहुत अच्छा महाराज। देखो गुरुदेव, अगर किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं चाहिए तो आप हमें बता दीजिए। नहीं नहीं महाराज, आप किसी प्रकार से चिंतित नहीं हुई। ठीक है गुरुदेव, देखो शिष्य
अयोध्या नरेश राजा दशरथ के चार युवराज हैं और इन्हें हम पूर्ण रूप से शिक्षा देने के लिए यहाँ लाए हैं ताकि इनको हर प्रकार की विद्या से जो निपुण किया जा सके।
अरे नलायक, लेट क्यों आयो? गुरुजी, बहुत दिक्कत आई क्या?
बैठ जा।
तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि मेरे ऊपर बैठ जा। इतनी जगह पड़ी है, कहीं भी बैठ जा। ठीक है गुरुदेव।
वंदिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनम् मृत्युमोक्षयमामृतम्। शाबाश बेटा लक्ष्मण। गुरुजी ठीक है, हमारे खातर आज तक शाबाशी ना दी, ये दो दिन हुए हैं खातर शाबाश। ओम भूभुवः स्वः। Thank you.
Oh.
आगे पीछे कोई तो देख रहा था, आपने देखा ना थी वो, ठीक है चलो शिकार की तरह से चलते हैं। चलो
अरे कम कर, कम मत कर तो आखे आखे काम का तमाम ये यज्ञ ध्वस्त कर दिया और हमारा पुरुषार्थ नष्ट कर दिया। मालूम होता है तुम जिंदगी से बेजार हो, जो हमारे घर से आधार हो। जब किसी के मौत के दिन आते हैं तो उसके पर पैदा हो जाते हैं। एक आर हो यदि लड़ाई का इरादा है तो फकीरों से लड़ने में क्या Thank you.
की घड़ी गाओ, 10 रुपए चुच्चू एंड ससी, 10 रुपए चुच्चू एंड ससी, 10 रुपए काका प्रधान दारेड़ा सालू भाई, 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 10 रुपए विशाल हरियाणा 302 वाल्मीकि मोहल्ला, 20 रुपए नीलम भाई को राकेश सिंह, ये सभी हमारी कलम को दान करते हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बेसमति रामचंद्र की जय।
श्री महाराज दोनों बालक हैं, बोले भाले नादान रे, रण विद्या अभी वो क्या जाने, लड़ने में है नादान रे। लो राज ताज दौलत रस कर, इसमें मुझको इनकार नहीं, अब क्या हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पित यह है, जो कुछ फूल चमन के हैं, पर प्रभु विचार कर वचन कहो, सुख चारों चौथे पद के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन ये राम लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम तो है आराम मेरा, और मुझको विरह गवारा है, मेरा यही खजाना है और मेरा यही सहारा है। जान बटोला थी नहीं जाना मुझे सिपाह के, तो मेरे साथ कर मरना कठिन था। दत्रा तू जैसे गान गाने को ऐसा विचार नहीं खुआता है, सर के बाप सको सफेद हुए कभी माया है। सरकार सबका करने में इतनी देर इतनी उलझन, इतनी उलझन इतनी देरी, कुछ दिन इनको देने में इतनी बातें, चल देता छोड़ गरुड़ अपना, यदि सिर से फरियाद अगर करता फिर जाता उसका, मांगे तो वचन मुझसे बोलते, इसलिए मुझे संताप था, दिल तेरा दुखा मेरा दुखा इसको देखा। ये राजन प्रहलाद को छोड़कर दोनों सुकुमारों को ऋषिराज को दे दीजिए, यह ऋषियों की राज कहलाते हैं। तू हरगिज़ इनसे टाल न कर, ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का है। तेरे सुकुमारों को विद्या और धर्म सिखाएंगे, प्रचंड होकर तेरे दुर्चंद आनंद सहित कर आएंगे। गुरु आज्ञा है अब मुझे, ना है कुछ निकार, दोनों पुत्रों के हुए मुनि आप आज हे मंत्री जी, आप जाए राम चंद्र और लक्ष्मण जी को बुला लाओ। We'll be right back.
किया।